सर्दियां आने वाली हैं, इस दफा बहुत ठंड हो जाएगी। लकड़ियां इकट्ठी करने के बस यही दिन हैं। वो सर्दियां हैं तो मैं कारा कचन हूँ मौला साहिबा। जब वो आएंगी तो मैं जंगल के 10 चक्कर लगाऊंगा। मैं भला आपको लकड़ियों के बगैर रहने दूंगा क्या? कारा कचन, अगर तुम ना होते तो हम क्या करते? तो आपके पास कोई और गधा होता। कारा कचन, तुम जैसा भरोसे वाला जानवर मुश्किल से ही मिलता है। मैंने आपकी रोटी खाई है, पानी पिया है, सारी उम्र आपके दरवाजे पर गुजारी है। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या हूँ, और ना आपको पता था कि करा कंचन क्या है। वफादारी मैंने आपसे सीखी है, सिर्फ आपसे मौला साहिबा, सिर्फ आपसे। ओ मेरा प्यारा कारा कचन, तुम्हें मेरे अब्बू ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। ओहो, ये क्या हुआ? मौला साहिबा, क्या हुआ है आपको? देखो ना कारा कचन, कितनी बेदर्दी से इस दरख्त को काटा गया है। मौला साहिबा, जब मैं जंगल से आता हूँ रास्ते में पौधे टूटे पड़े होते हैं, मुझे अफसोस हो रहा है। बच्चों को इनके बारे में सोचना चाहिए। इन छोटे पौधों को तो साफ हवा और पानी की जरूरत होती है, बारिश होगी तो ये बड़े होंगे, मगर ये जो बच्चे पौधों के साथ करते हैं ना, इस तरह ये पौधे कभी बढ़ नहीं सकते हैं। देखो ना कारा कचन, जो लोग सड़क के किनारों से दरख्तों को काट देते हैं, छांव नहीं रहने देते, बहुत गलत करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें पसंद नहीं फरमाता। मुझे भी ऐसे लोग पसंद नहीं है, और मुझे छोटे दरख्तों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बेचारे कारा कचन का हाल तो देखो जरा, कितना मुश्किल काम है। कितने चक्कर हो गए होंगे भला? 4 चक्कर। इतना वजन उठा के बेचारा हिल भी नहीं सकता। लेकिन वो अपनी दुम बहुत हिलाता है। हाँ, दुम तो वो हिला ही सकता है, इतना वजन उठाने के बावजूद भी वो अपनी दुम हिलाता है। अगर मौला साहिबा मुझे भी कोई काम कहे तो मैं भी बहुत सारा वजन उठा सकती हूँ। चलो अब ज्यादा बातें मत बनाओ, चलकर कोई काम करते हैं। तो बहुत पसीना आ गया है, लाओ ये मैं तुम्हारे सर पे रख देती हूँ। कारा कचन, आज के लिए इतना ही काफी है, तुम बहुत थक गए होगे। नहीं मौला साहिबा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। शक्रु जल्दी करो, मैच के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ ओके आ रहा हूँ। ये कहाँ रखूँ? यहाँ। हाँ यहाँ रख देता हूँ, ये ठीक है। हाँ ये जगह सही है। ओफ गिर गया, अब ये कौन उठाएगा? मैं अब इसे साफ नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो अंदर 1 घंटे से? शक्रु देखो हम जा रहे हैं। रुको आ रहा हूँ। मैं बाल्टी से बोतल बाद में निकाल लूंगा। आ रहा हूँ वेट करो। मैं बहुत बहुत थक गया हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे अभी सोना भी है। पानी 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 पानी। इस पानी का जायका ऐसा क्यों है? लगता है आशा गुल पानी झील से लेके आई है। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि मुझे झील का पानी अच्छा नहीं लगता, मगर मेरी कोई सुनता नहीं। अब मैं अच्छी तरह से सो जाऊंगा। कारा कचन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, उठ भी जाओ अब। कारा कचन थोड़ा सा खा लो, उठ जाओ। आशा गुल, ये अभी दोपहर तक सोएगा, सारी रात भी खर्राटे मारता है। जब ये खर्राटे मारता है तो हर कोई छुपने के लिए जगह ढूंढता है। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मेरे जैसा स्पोर्ट्समैन, जेंटलमैन और सुपरमैन रैकून ही तुम्हारी मदद कर सकता है।
नहीं शुक्रिया, मैं कारा कचन के लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन कारा कचन उठ क्यों नहीं रहा? कारा कचन को कुछ हुआ है, मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहा। नहीं, अगर ये मर गया हुआ तो क्या होगा? हाँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम बहुत बुरे हो। कारा कचन नहीं मर सकता। आयशा गुल, नहीं, आयशा गुल, कारा कचन। देखो, तुमने मेरी बात को गलत समझा। मेरे कहने का मतलब था कि हर जिंदा चीज को मरना ही होता है। कारा कचन, आयशा गुल, कारा कचन, आयशा गुल, आयशा गुल, आयशा गुल, देखो इसने अपनी जिंदगी जी ली है। तुमको हम बहुत याद करेंगे कारा कचन। कारा कचन, ये तुम क्या कर रहे हो? कारा कचन नहीं मरा, जाओ यहाँ से, जाओ अम्मी। कारा कचन, अम्मी। कारा कचन, उठो, क्या हो गया है तुम्हें? हाय अल्लाह, इस जानवर को क्या हो गया है? कोई आवाज ही नहीं, कोई हरकत नहीं। जाओ भागकर हसन साहब को बुला के लाओ। अम्मी। कारा कचन, क्या हुआ इस कारा कचन को? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ही काम करके थक गया है। मुझे नहीं लगता, मैंने तुमसे कहा था ना कि बहुत लोड उठाया है कारा कचन ने, इसी वजह से बेहोश हुआ है। तुम बहुत नादान हो, कारा कचन की ये आदत लोड की वजह से नहीं हुई। क्या तुमने देखा नहीं, कारा कचन ने जहर पिया है। ये क्या कह रही हो, कौन देगा उसे जहर? वो तो यहाँ इतने अरसे से रह रहा है, कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? हाँ, वो यहाँ बहुत अरसे से है, तुम फिक्र ना करो, उसे कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ से चलते हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल से टमाटर की वजह से या ज्यादा पकने की वजह से, नहीं तो मेरे हाथ का बना है इसलिए। हाँ, इसलिए ये खाना बहुत अच्छा है। हाँ, बस नमक थोड़ा कम है। नमक का भी हल कर लेते हैं नजला बेगम, टेस्ट कैसा है तुम ये बताओ। हसन साहब, बहुत अच्छा बना है, अब क्या आप रात का भी खाना बना सकते हैं? नजला बेगम, नहीं नहीं, तुम्हारे खाने की तो बात ही कुछ और है। हसन अंकल, ये आयशा गुल ही है ना? हाँ, आयशा ही है, खैरियत हो इंशाल्लाह, देखते हैं। हसन अंकल, आयशा गुल, क्या हुआ है? कारा कचन उठ नहीं रहा, मैंने बहुत हिलाया, बहुत आवाजें दी, मैं भी आता हूँ आयशा गुल, नहीं दे रहा। फिक्र ना करो आयशा गुल, तुम्हारे हसन अंकल देख लेंगे कि क्या हुआ है। हाय अल्लाह, ओह हसन साहब, आए देखे कारा कचन को कुछ हो गया है। कब से सो रहा है ये? कल शाम लकड़ियां लाने के बाद मैंने इसको दोबारा नहीं देखा। जाओ जरा नजला बेगम से मेडिसिन ले आओ। जल्दी जाओ बेटा, जल्दी। मैं अभी लेकर आई। हसन साहब, कारा कचन सारा दिन लकड़ियां उठाई हैं, इसलिए थक गया है। हाँ, काश के मैं सभी लकड़ियां एक बार ना उठवा कर लाती, मुझे क्या पता था इसकी ये हालत हो जाएगी। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मुझे इसे कुछ देर आराम करने देना चाहिए था, सब मेरी गलती है। क्या हुआ है इसे हसन साहब? जिसका आखिरी दिन हो, लगता है इसने कोई ऐसी चीज खा ली है जिसकी डेट एक्सपायर हो गई थी। अब तो गया कारा कचन। कारा कचन को जहर दिया गया है। क्या जहर? किसने दिया है जहर? किसी खाने वाली या पीने वाली चीज में था। कहीं इसने जंगल में कोई जहरीली चीज तो नहीं खा ली? ओहो, मुझे कैसे पता नहीं चला। आप फिक्र न करें मौला साहिबा, कारा कचन को क्या पता कि क्या खाना है। ठीक है हसन साहिब। हाँ नजला साहिबा, आप आयशा गुल के हाथ कोई कंबल भेज सकती हैं क्या? ठीक है हसन साहिब, लेकिन मुझसे कारा कचन की ये हालत देखी नहीं जा रही, आप इसे जल्दी से ठीक कर दें। जी ठीक है, आप फिक्र मत करें। ये क्या है? आ,
तुम लोगों को कोई अच्छा गोलकीपर चाहिए। यहाँ तो मैं भी गोल कर सकता हूँ शक्रू। हाँ, एक अच्छा गोलकीपर था तो, लेकिन पता है एक दिन खेलते खेलते ऐसा गिरा कि उसकी टांग ही टूट गई। उसके बाद हमें कोई अच्छा गोलकीपर मिला ही नहीं। आजकल तो गुलफाम ही गोलकीपर है। कारागजन भी इससे अच्छा खेलेगा। हाँ, ये बात तो मेरे जहन में आई ही नहीं। अगले मैच में कारागजन को मौका देंगे, ठीक है? क्या कहते हो तुम, बताओ? कारागजन तुम्हारी टीम का कीपर बनेगा क्या, बताओ? हाँ तो और क्या, इतनी देर से मैं उसके ऊपर ऐसी ही मेहनत कर रहा हूँ। ओह मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया, क्या हो गया है ये? इसे क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है? शक्रु, इस रकोन ने फिर कोई काम खराब किया होगा। क्या हुआ है, कारागजन के बाड़े से निकाले जाने पर रो रहे हो? काश निकाल देता, निकाल देता, मुझ पर गुस्सा करता। क्या बकवास कर रहे हो, कारागजन को कुछ हुआ है क्या? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कारागजन ने तुम्हारी वजह से जहर पिया है। क्या, क्या जहर पी लिया? मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? मैंने सब कुछ देखा है, मैं सब जानता हूँ। मैं बहुत गहरी नींद सो रहा था कि मुझे अचानक से कोई आवाज आई। शक्रू, 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 वहां तुम हो, कोई नहीं है। शक्रू तुम हो क्या? आ, आ, बेचारा नाजी डर गया, बहुत ही डरपोक बच्चा है। हाँ तुम ही थे, तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारे पीछे मैं था। तुम चुपके से कारागजन के पानी में पेस्टिसाइड डालकर चले गए। क्या पेस्टिसाइड? लेकिन मैंने तो उसमें कुछ भी नहीं डाला था। हाँ तुम तो यही कहोगे, तुम शुरू से ही अपने जुर्म से इनकार करते आए हो, लेकिन फैसला तो आखिर अदालत में ही होगा। क्या? और तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। नहीं नहीं, मुझे कोई निकालो यहाँ से। कुछ देर के लिए इंतजार करना होगा तुम्हें, ज्यादा नहीं, यही कोई 100 साल के लिए। क्या 100 साल? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अगर कारागजन ठीक हो गया तो हम दोनों तुम्हें मिलने आएंगे। कारागजन, 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 मेरा यकीन करो, मैंने कारागजन के साथ कुछ नहीं किया। मुझे पता है नाजी, तुमने कुछ नहीं किया। चलो बाड़े में चलते हैं कारागजन के पास। जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि मुजरिम कौन है। अपना मुंह बंद, बंद रखो। रुको रुको रुको, मैं भी आता हूँ। हमें चाहिए था कि इसका मुंह टाइम पर ही बंद कर देते, बहुत हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तुम्हारा पुराना हाँ? दोस्त कारागजन मर रहा है। ठीक है, चले जाओ यहाँ से। हाँ तो तुमको लग रहा है कि इसने जहर नहीं दिया? तुम जाकर फिश पकड़ो, हमें जल्दी जाना है। इस तरह के बुरे दिन में खाने का सोचूंगा क्या? मेरी बात सुनो तुम, कारागजन के साथ जो हुआ मेरे अब्बू को पता है ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे अब्बू बचा रहे हैं उसे, लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं बचेगा। चलो नाजी, चलो जल्दी चलते हैं। चलो चलें। तुम्हारे अब्बू को नहीं पता कि कारागजन मर रहा है? हसन साहब क्या सोचेंगे जब उनको ये पता चलेगा कि उनके बेटे ने ही कारागजन को जहर दिया है। बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा जानी, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। हमारे पास से चले जाओ। हाँ चले जाओ। हाँ, रुको, अच्छा मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने मेरी आखिरी बात तो सुनी ही नहीं। मेरे पास एक डील है तुम लोगों के लिए। क्या डील है रघुन? अगर तुम दोनों रोज के रोज मुझे एक मछली पकड़ के दोगे तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। ऐसा है, तुम कोई खेल खेल रहे हो? हाँ, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, ये बात जहन में डाल लो। ठीक है, टाइम जाया नहीं करते, चलो जल्दी चलो। ठीक कहते हो। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे जो हुआ मैंने कर दिया। अब देखते हैं कि तुम अपने वालिदैन से क्या कहते हो, क्या बहाना लगाओगे। मैं जो सच है वो बताऊंगा, मेरे अब्बू को पता है मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है? हाँ हाँ, देखो तो, अच्छा बच्चा। चलो नाजी,
इसके साथ बात मत करो, ये तो हमारा वक्त जाया कर रहा है। चलो कारा कचन को देखते हैं। मुझे यकीन है रकून मजाक कर रहा है, कारा कचन को कुछ भी नहीं हुआ है, है ना शकरू? हाँ इंशाल्लाह, चलो चलें, चलो आओ। मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ, समझ गए? चलो नाजी, छोड़ो इसे। आ, फिकर ना करो आयशा गुल, अब नहीं रोना, अच्छा? और उम्मीद भी नहीं छोड़नी। ठीक है टीचर, मैं जरा मौल्ला साहिबा को भी देख लूँ। नजला साहिबा, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। कारा कचन, भाई कारा कचन बहुत ज्यादा खराब है, क्या कर? आप कारा कचन को ठीक कर देंगे ना? कारा कचन उठो ना, ठीक हो जाएगा। कारा कचन, क्या पता आज रात को पापा, ही पापा कारा कचन ने कैसे जहर पी लिया है? किसी ने पानी में पेस्टिसाइड डाली है। नाजी, तुमको तो सारा पता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ नाजी, तुमको ये बात पता है? नहीं बाबा, कल शकरू को ढूंढते हुए वहाँ गया था, अंधेरे की वजह से किसी चीज से टकरा गया, पता नहीं क्या गिरा, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम तो बाड़े में ही रहते हो ना, तुमको कारा कचन के बीमार होने का कोई अफसोस नहीं है? क्यों अफसोस नहीं होगा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा। तुमको कोई अफसोस नहीं है? अगर होता तो तुम कारा कचन के बीमार होने पर मेरे साथ फिश की डील ना करते। मुझे तो ऐसा लगता है पानी में जहर तुमने ही डाला है। हाँ, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लगता है मुझे अपने हाँ, वकील को बुलाना होगा। अभी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, कारा कचन जब ठीक हो जाएगा तो सारा सच खुद ही सामने आ जाएगा। अब सब जाओ घर, बीमार के पास इतना शोर नहीं करना चाहिए, चलो जल्दी। मैं इधर ही रहूँगा। मैं भी यही रहूँगी। बाबा मैं भी इधर रह सकता हूँ? बेटा तुम्हारी अम्मी घर पर अकेली हैं, इस वक्त तुम्हें उनके पास होना चाहिए। आयशा गुल, तुम भी मौला साहबा के पास जाओ, तुमने मेरी बहुत मदद की, अब तुम थक गई होगी, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं तुम्हारे भाई के साथ कारा कचन के पास रुकता हूँ। बाबा हम कारा कचन के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, बताएं? हाँ बेटा, बस दुआ करो। चलो आयशा गुल, हम चलते हैं। चलो चलते हैं। हाँ हम दोनों इसके पास रहेंगे, सारी रात इंतजार करना होगा। क्या पता सुबह से पहले ही उठ जाए। इंशाल्लाह। और अगर ना उठा तो? सुबह तक उठ जाएगा, कारा कचन बहुत ताकतवर है, तुम देखना ये उठकर कहेगा मुझे भूख लगी है, मेरा खाना किधर है। मैं जब अबू के साथ फाउंटेन जाता था तो कारा कचन भी हमारे साथ जाता था, मैं कारा कचन के साथ बहुत खेलता था। एक दफा हम खेतों में चले गए और मैं वहाँ पर गुम हो गया। अबू मुझ पर बहुत गुस्सा हुए, पता है तब मुझे कारा कचन ने ढूंढा था, अबू बहुत खुश हुए थे इससे। कारा कचन ठीक हो जाएगा और जब तुम्हारे अबू आएंगे तो तुम फिर कारा कचन के साथ फाउंटेन जाना, मैं और नाजी भी जाएंगे तुम्हारे साथ। हाँ, मेरी गलती है, वो पेस्टिसाइड वो मुझसे बाल्टी में गिर गई थी। हाँ। फिर बाद में मैंने उसे बाद में निकाला ही नहीं। कारा कचन प्लीज ठीक हो जाओ, मैं अब तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, अल्लाह ताला कारा कचन को कुछ ना हो, ठीक हो जाए, मैं हर रोज पानी चेंज करूंगा, अम्मी जो कहेंगी मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज कारा कचन को कुछ ना हो, ये ठीक हो जाए। रो मत, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं होता, फिकर मत करो, ठीक हो जाएगा। हसन अंकल। कितनी भूख लगी हुई है मुझे, लगता है कई दिनों से कुछ नहीं खाया, इन दोनों का यहाँ क्या काम? अरे हसन साहब, नाजी भी आएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा करेंगे।